प्यारी बहनों सुप्रभात। क्लास षष्ठ। बहनों, आज आपको मैं हिंदी विषय के बारे में बता रही हूँ। आपकी हिंदी विषय में दो पुस्तक लगनी है। पहले है बसंत भागे, दूसरी है रामायण। अर्थात बसंत भागे हिंदी रीडर, उसमें पहला पाठ है वह चिड़िया जो एक कविता है। इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसमें एक छोटी सी चिड़िया की मन की बात कवि ने लिखी है, जो इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि चिड़िया के स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोग गाती है, अर्थात किसी के रोके बिना गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उनपती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कभी ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है। बहनों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, मैं वो आपको लिख के भेज रही हूँ। आप उसको अपनी हल्ड कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगी। सबसे पहले पाठ का नाम डालेंगी, उसके नीचे शब्द अर्थ लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे इसके कठिन शब्द हैं, सबसे पहले पाठ लिखेंगी वह चिड़िया जो, फिर शब्द अर्थ लिखेंगी। दूध भरे माने कच्चे, अर्थात कच्चे अनाज की बालियाँ, जिनसे एक दूध की तरह एक तरल पदार्थ निकलता है। जुंडी माने गेहूं जो बाजरे की बालियाँ। रुचि से माने आनंद से माने रस लेकर, अर्थात स्वाद लेकर। संतोषी माने संतोष से भरी। बूढ़े माने पुराने। रस उड़ेलना माने आनंदित करना। मुँह बोली माने प्यारी। विजन माने निर्जन स्थान, अर्थात जंगल। चढ़ी नदी माने ऐसी नदी जो पानी से भरी हो, अर्थात जिसमें लबालब पानी से भरा हुआ है, वो उस नदी को चढ़ी नदी कहते हैं। दिल टटोलना अंदाज लेना, अर्थात मन की बात जानना। जल का मोती जल की बूंद। गर्वीली माने गर्व से भरी हुई, अर्थात अभिमानी। इस काम को आपको बढ़िया ढंग से अपनी फेयर कॉपी में करना है।